ये इसका फ्रंट साइड है और ये बैक साइड। ये स्लीव्स हमने अभी लगा दी है ब्लाउज को, ये सिलने के बाद इस तरह दिखेगा। इस वीडियो में हमने सिर्फ स्लीव्स को सिलना बताया। हेलो फ्रेंड्स, स्मिताज बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पफ स्लीव्स। इसको बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। अच्छी तरह सीखने के लिए ये मेरा वीडियो पूरा देखें, इसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बना रहे हैं पफ स्लीव्स। उसके लिए हमको लगेगा ये नेट वाला कपड़ा, ये बॉर्डर वाला कपड़ा, इंच टेप, स्केल, चौक और ये हमारी कैंची और मेजरमेंट। मेजरमेंट हमारा इस प्रकार है, स्लीव्स की लंबाई है 11 इंच और उसकी मोरी है 10 इंच। ये पेपर है, इस पर हम पहले स्लीव्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आधा इंच की एक लाइन खींच देंगे। स्लीव्स हमारी 11 इंच है तो यहाँ से 11 इंच पर एक मार्क कर देंगे। यहाँ पर भी एक लाइन खींच देंगे। यहाँ पर 4 इंच की गैप लेंगे और एक लाइन खींच देंगे। अब मोरी हमारी 11 इंच की है तो यहाँ पर एक मार्किंग कर देंगे और 1.5 इंच के लिए और एक मार्क कर देंगे। यहाँ से 1 इंच लेंगे और ये इसको यहाँ से ये लाइन को मिला देंगे। और ये जो हमारा बगल का शेप है ये यहाँ से ऐसा लगा देंगे। इसको हम अभी कट कर देंगे। ये हमारी साधारण जो स्लीव्स होती है उसका शेप मैंने ड्रॉ कर लिया है और कट कर लिया है। ये आगे के बगल का आकर यहाँ से लगाया है। अब हमको इसी में से पफ स्लीव्स निकालना है। यहाँ से हमको जितना बॉर्डर का हमको चौड़ाई रखना है उसका मार्किंग कर लेंगे। हम यहाँ पर 5.5 पर मार्किंग कर रहे हैं और ऐसा लाइन खींच दिया है। अब इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। इसके 2 पार्ट्स हमने अलग निकाल दिए हैं। अब इसके ऊपर से हम कपड़े को काटेंगे। ये हमारा नेट का कपड़ा है, इसको हमने यहाँ से ऐसा डबल बिछा दिया है। अब इसको यहाँ से और एक फोल्ड करेंगे। इसको हमने अभी डबल फोल्ड करके रख दिया है। ये हमारा 4 पल्लों में कपड़ा है। ये पेपर कटिंग जो हमारा है इसको हम यहाँ पर इस तरह बिछाएंगे। यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया है ऊपर और यहाँ से हमको जितना चुन्नट ज़्यादा आपको जैसे पसंद है उस हिसाब से यहाँ तक यहाँ पर बढ़ाइए। मैं यहाँ पर 6 इंच बढ़ा रही हूँ। यहाँ से एक ऐसा लाइन खींच देंगे हम और ये जो हमारा 1.5 इंच बड़ा हुआ है यहाँ से हम इसको आधा इंच और बढ़ाते हुए इस तरह एक शेप दे देंगे और इसको हम अभी कट। अब ये जो हमने बढ़ाया हुआ है हमको इसको चुन्नट देकर इसको हम इसको कम कर देंगे, इस नाप का बना लेंगे। चुन्नट देंगे इधर से भी चुन्नट देंगे और इधर से भी चुन्नट देंगे। ये हमारा बॉर्डर का कपड़ा है साड़ी में से निकला हुआ। साड़ी में से निकली हुई बॉर्डर कम ही निकलती है इसलिए हमने दोनों साइड से कपड़ा इसको जोड़ के इसकी लंबाई बढ़ाई है। इसको हम इस तरह रखेंगे और इसको और एक फोल्ड लगाएंगे और ये पेपर कटिंग जो हमारी थी दूसरा भाग पर इस तरह बिछाएंगे। और इसमें हमको बढ़ाना नहीं है, सेम इसी में कट कर देना है, इसी साइज का कट करना है। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये हमारा बॉर्डर का कपड़ा है, इसके ऊपर की लेस हमने अभी निकाल दी है, उसको बाद में हम अटैच कर लेंगे। इसको हम पहले ये बॉर्डर वाले कपड़े को अस्तर लगा लेंगे। इसको पहले यहाँ से हम ऐसा अस्तर चिपका लेंगे, इसके ऊपर एक प्लेन सिलाई दे देंगे। अब इसको मोड़ के साइड की सिलाई कर देंगे। ये बॉर्डर को हमने अस्तर लगा दिया है, इसको अब हम साइड में रख देंगे। और हमारा ये जो नेट का कपड़ा है इसको हम 1 इंच यहाँ से छोड़ देंगे और यहाँ से भी 1 इंच छोड़ देंगे। बीच वाले भाग में हम चुन्नट देते जाएंगे। ये हमने 1 इंच यहाँ से ऐसा छोड़ दिया है, सीधी सिलाई किया है। अब ये पेचकस की मदद से हम छोटे छोटे चुन्नट डालेंगे।
मशीन को धीरे धीरे चलाइए। इसको हमने इस तरह चुनरन डाल दिए है। अब ये ऊपर वाला जो हमारा भाग है इस पर भी हम चुनरन डालेंगे। यहाँ से हम अभी 3 इंच छोड़ देंगे और यहाँ से हम चुनरन डालना चालू करेंगे। अब हमने इसको दोनों तरफ चुन्नटें डाल दी है। ब्लाउज के बॉडी में हम इसको भी लगाएंगे। अब ये जो हमारा चुन्नट वाला भाग है ऊपरी भाग हम ऊपर रखेंगे और ये जो हमारा नीचे वाला जो भाग था उसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। यहाँ से हमने 1 इंच छोड़ा था, ऐसे रखेंगे, जोड़ देंगे। इसको हम नाप के देख लेंगे बराबर हमारे बॉर्डर के बराबर आ रहा है या नहीं। ये हमारा बराबर आ रहा है। अगर हमारा चुन्नट ये वाला कपड़ा बराबर नहीं आता है तो अगर कम आता है तो एक दो चुन्नट खोल देंगे, अगर ज़्यादा आता है ये वाला कपड़ा तो चुन्नटें एक दो हम डाल देंगे। ऐसा एडजस्ट करके इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसको हमने यहाँ पर इस तरह जोड़ दिया है। अभी यही हमको यहाँ पर नेट पर जो दिख रहा है ये कपड़ा, ये छुपाना है अंदर वाला कपड़ा, इसलिए हमको इसको ऐसा रखना है और इसके ऊपर एक सिलाई देना है। ये हमने यहाँ पर प्रेस सिलाई दे दी है और हमने जो यहाँ से लेस निकाली थी इसके ऊपर लगा देंगे। ये हमने लेस भी अभी लगा दी है। ये हमारे स्लीव बन के रेडी है। अभी इसको हम अभी ब्लाउज में लगाएंगे। इसी तरह हमको दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेना है। ये हमारी दूसरी स्लीव्स है, इसको हम अभी ऐसा जोड़ देंगे। इसको बगल से स्टार्ट करते हुए पूरे गोलाई में हमको अभी सिलाई देना है। इसको हम अभी डबल सिलाई कर देंगे। हमारी एक आस्तीन अभी लग चुकी है, अब हम दूसरी स्लीव्स लगाएंगे। बगल से स्टार्ट करते हुए हमको गोलाई में अभी फिर से जोड़ना है दूसरी आस्तीन का। ये इस तरह हमने स्लीव्स को अभी लगा लिया है। लगने के बाद हमारा ये ऐसा दिखेगा। ये स्लीव्स हमने अभी लगा दी है ब्लाउज को। ये सिलने के बाद इस तरह दिखेगा। इस वीडियो में हमने सिर्फ स्लीव्स को सिलना बताया। ये इसका फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है।